वेलकम स्टूडेंट्स टू दिस सेकंड लेक्चर ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन और बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में एक डायग्राम में मैंने डिस्कस किया था कि दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में हम लोगों ने उसके जो इंटरनल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में डिटेल पे डिस्कशन किया था। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फर्दर एक क्लासिफिकेशन होता है माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट, और यहां से आज कंटिन्यू करेंगे। तो माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या फैक्टर्स आते हैं? सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, फाइनेंशियर्स, मार्केट इंटरमीडियरीज। मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या फैक्टर्स आते हैं? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल। कंज्यूमर्स, तो माइक्रो एनवायरनमेंट का एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है कंज्यूमर्स। माइक्रो एनवायरनमेंट वो फैक्टर्स होते हैं, उसमें वो फैक्टर्स आते हैं जो किसी एक इंडस्ट्री के अंदर किसी एक कंपनी को के ऊपर इंपैक्ट कर रहे हो। जैसे कि कोई एक आप इंडस्ट्री ले लीजिए, टू व्हीलर की इंडस्ट्री ले लीजिए, तो हो सकता है कि ये जो माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं वो बजाज के लिए अलग हो, हीरो के लिए अलग हो, होंडा के लिए अलग हो, टीवीएस के लिए अलग हो। तो कंपनी टू कंपनी ये वाले फैक्टर्स अलग हो सकते हैं। जैसे कि सप्लायर्स अलग हो सकते हैं कंपनी के, कस्टमर्स अलग हो सकते हैं। कुछ लोग हीरो की व्हीकल्स, हीरो की टू व्हीलर्स प्रेफर कर सकते हैं, कुछ लोग बजाज के प्रेफर कर सकते हैं। कुछ कस्टमर्स सेम भी हो सकते हैं, ओवरलैपिंग हो सकती है उसमें। कॉम्पिटिटर्स, ऑफकोर्स कॉम्पिटिटर्स डिपेंड करता है कि कंपनी किस सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। एक सेगमेंट में ऑपरेट करने वाली दो कंपनीज या तीन कंपनीज हैं, वो आपस में कंपीट करेंगी तो उनके कॉम्पिटिटर्स सेम होंगे। लेकिन अगर कंपनीज अलग अलग सेगमेंट में ऑपरेट कर रही हैं तो उनके कॉम्पिटिटर्स अलग हो सकते हैं। फाइनेंसर्स ऑफकोर्स अलग हो सकते हैं। एक कंपनी का कोई फाइनेंसर है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसने उसको फाइनेंस किया हुआ है। दूसरी कंपनी है, उसको किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने फाइनेंस किया हुआ है। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज भी अलग अलग हो सकते हैं। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज क्या होते हैं? जो एक फिनिश प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से एंड कंज्यूमर या एंड कस्टमर तक ले जाते हैं। तो कंज्यूमर्स पे आते हैं पहले। कंज्यूमर्स आर पीपल हु हैव नीड्स टू सेटिस्फाई एंड फाइनेंशियल मींस टू डू सो। देखिए, कंज्यूमर्स क्या होता है? किसी को एक नीड है, एक नेसेसिटी है, एक टू व्हीलर की नीड है या फोर व्हीलर की नीड है या किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की नीड है, और उसके पास वो फाइनेंशियल मींस है वो नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर जिसके पास फाइनेंशियल मींस नहीं है, खाली नीड है, तो वो कंज्यूमर नहीं है, वो कंपनी के लिए कस्टमर नहीं है। टू बी सक्सेसफुल मैनेजमेंट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग कंज्यूमर नीड्स, परचेजिंग पावर एंड बाइंग बिहेवियर। कंज्यूमर्स की क्या नीड होती है, क्या उसकी परचेजिंग पावर है, क्या उसका बाइंग बिहेवियर है, इसके बारे में कंपनीज को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कंज्यूमर नीड्स अलग अलग लेवल की होती हैं। कंज्यूमर नीड्स को एक बहुत फेमस थ्योरी है, कंज्यूमर नीड्स की नीड्स हायरार्की थ्योरी, अब्राहम मैस्लो की है। तो वो कंज्यूमर बिहेवियर के जो अलग से पेपर होता है उसमें डिटेल में पढ़ाई जाती है। कंज्यूमर नीड्स अलग अलग टाइप की होती हैं उसमें, और हर लेवल की नीड या हर वैरायटी ऑफ नीड्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि उसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स हो सकती हैं, सेफ्टी नीड्स हो सकती हैं, सोशल नीड्स हो सकती हैं, सेल्फ एस्टीम नीड्स हो सकती हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हो सकती हैं। तो ये पांच किस्म की नीड्स होती हैं। परचेजिंग पावर हर कंज्यूमर की अलग हो सकती है उसके इनकम के हिसाब से। जो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर ज्यादा है वो हाई एंड प्रोडक्ट्स प्रेफर करता है या कर सकता है, जिसकी मार्केट प्राइस ज्यादा हो, और जिसकी परचेजिंग पावर कम है वो एक मीडियम रेंज का या लो एंड का प्रोडक्ट प्रेफर कर सकता है। बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमर्स कैसा बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं परचेज से पहले, ठीक है, परचेज से पहले क्या मतलब किस किस्म की वो इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, और परचेज के दौरान वो किस किस्म का बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं, और आफ्टर परचेज उनका बिहेवियर क्या रहता है। तो इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कंपनीज के लिए रखना जरूरी होता है। तो कंपनीज जो हैं
मार्केट रिसर्च इसीलिए टेकअप करती हैं और मार्केट रिसर्च का अच्छा खासा बजट होता है क्योंकि कंज्यूमर्स ही इम्पैक्ट करते हैं कंपनी के फॉर्चून को। अगर कंपनी ने कोई ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन कर दिया या ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर दिया जिस जो कंज्यूमर्स प्रेफर नहीं कर रहे हैं, जो कंज्यूमर्स के टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो कंपनी का काफी लॉस हो जाएगा क्योंकि वो इवेंचुअली वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं और उसको उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी मार्केटिंग में जो एक्सपेंडिचर आएगा वो कंपनी को एक तरीके से बियर करना पड़ेगा और उसका कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो मार्केट रिसर्च में और स्पेसिफिकली कंज्यूमर रिसर्च में काफी पैसा खर्च करती हैं। डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरिएबल्स इन द मैक्रो एनवायरनमेंट, इसका मतलब ये हो गया कि जो मैक्रो एनवायरनमेंट के दूसरे फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, सोशल फैक्टर हो गया, पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, उससे कंज्यूमर्स का जो बाइंग बिहेवियर है, बाइंग पैटर्न है, वो इन्फ्लुएंस होता है। उन वेरिएबल्स से कंज्यूमर्स का जो कंज्यूमर जो अपने आप में एक फैक्टर है माइक्रो एनवायरनमेंट का, वो इन्फ्लुएंस हो जाता है मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स से, वेरिएबल्स से। परचेजिंग पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय कंज्यूमर्स पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, कितनी कंज्यूमर की इनकम है ये डिटरमाइन करती है कि उसकी परचेजिंग पावर क्या है। जिसके जिसकी इनकम ज्यादा है उसकी परचेजिंग पावर भी ज्यादा रहती है। सप्लायर्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम दैट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड कन्वर्ट्स देम इनटू आउटपुट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, कहीं से कुछ इनपुट लेता है, उसमें कुछ प्रोसेसिंग करता है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता है, कुछ वैल्यू एडिशन करता है और उसके बाद एक इवेंचुअली एक एंड प्रोडक्ट या एंड सर्विस निकल के आती है जिसको वो मार्केट करता है। इनपुट्स इंक्लूड मटेरियल्स, इक्विपमेंट, एनर्जी, कैपिटल, लेबर। जो भी रॉ मटेरियल है या जो इक्विपमेंट लग रहा है उसमें, एनर्जी, एनर्जी पावर वगैरह, कैपिटल ऑफकोर्स पैसा तो लगता ही है, और लेबर जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो वो लोग जो अपना इनपुट डालते हैं उसको लेबर कहते हैं। तो ये सारी चीजें मिला के एक एंड प्रोडक्ट निकल के आता है। सप्लायर्स प्रोवाइड दीज इनपुट्स टू द बिजनेसेस। सप्लायर क्या होता है, जो एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। जैसे कंपनी कोई एक हैंडसेट मैन्युफैक्चर कर रही है मोबाइल का, तो उस एक जो मोबाइल हैंडसेट है उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। ये कंपनी जो लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर रही है, उस मैन्युफैक्चर उस लैपटॉप के अंदर इंटेल की चिप लगती है, ठीक है, इंटेल का प्रोसेसर होता है, एएमडी का प्रोसेसर होता है। तो ये प्रोसेसर डेल नहीं बनाता, डेल लैपटॉप बना रहा है, लेकिन डेल और एचपी लैपटॉप बना रहा है, लेनोवो लैपटॉप बना रहा है, लेकिन ये लैपटॉप बनाने के लिए उसके अंदर के जो रॉ मटेरियल होता है वो अलग अलग कंपनी से सोर्स किया जाता है, प्रोक्योर किया जाता है। तो इंटेल और एएमडी दो ऐसी मेन कंपनीज हैं जो जो प्रोसेसर सप्लाई करती हैं। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो बाकी जो कंपनीज जो लैपटॉप मैन्युफैक्चर करती हैं वो सप्लायर्स के ऊपर डिपेंड रहती हैं। विदाउट द करेक्ट सप्लायर्स अ बिजनेस कैन नॉट अचीव सक्सेस इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट इन्वायरमेंट। अगर सप्लायर सही नहीं है, सही नहीं है मतलब कि वो टाइमली सप्लाई नहीं दे रहा है, या उसकी जो सप्लाई है वो बाकी जो सप्लायर्स है मार्केट में उसका जो रेट है, जो इवेंचुअली रेट आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, तो अगर ज्यादा रेट होगा इनपुट का या ज्यादा कॉस्ट होगी इनपुट की, तो जो एंड प्रोडक्ट होगा, जो फिनिश प्रोडक्ट होगा, उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अगर टाइमली नहीं आ रहा है तो उससे प्रोडक्शन डिलेज होंगे। अगर डेल को या एचपी को, लेनोवो को अपने लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई इनपुट, कोई रॉ मटेरियल, कोई उसमें जो इंडिविजुअल पार्ट लगता है वो टाइमली नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी लैपटॉप की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी डिले हो जाएगी। उससे इवेंचुअली क्या होगा कि उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो भी मार्केट में टाइमली नहीं पहुंचेगा। अगर टाइमली नहीं पहुंचेगा तो हो सकता है कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं लैपटॉप के, जो डेल का प्रोडक्ट खरीदते थे वो, या एचपी का प्रोडक्ट खरीदते थे वो, किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट पे स्विच कर जाए। तो कंज्यूमर बेस को या कंज्यूमर बेस को लॉयल रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव टाइमली सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल। और ये
हर इंडस्ट्री के लिए है, लेकिन हर इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनी के सप्लायर्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लिया कि कोई एक लैपटॉप मैन्युफैक्चरर है, जैसे अगर हम एसस का ले लें, वो अगर ये कहता है कि आई विल यूज ओनली एएमडी प्रोसेसर, ठीक है, एचपी कहता है कि आई विल यूज ओनली इंटेल प्रोसेसर, तो इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये कंपनी टू कंपनी उसके सप्लायर्स अलग हो सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज बेटर फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू हैव मल्टीपल सप्लायर्स, किसी एक के ऊपर वो डिपेंड ना करे। इंटरमीडियरीज प्ले अ वाइटल रोल इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। इंटरमीडियरीज क्या है, जैसे कि रिटेलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, होलसेलर हो गया, ये जो फाइनल प्रोडक्ट है जो एक प्रोडक्शन प्लांट से निकल के आता है, एक फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश गुड, उसको प्लांट से, ऑफकोर्स प्लांट से वो वेयरहाउस भी जा सकता है, लेकिन प्लांट से डायरेक्टली इन रिटेलर्स के पास भी जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी जा सकता है। तो इवेंचुअली जो एंड प्रोडक्ट है कंपनी का, वो उसके एंड यूजर के पास पहुंचाने का काम करते हैं, उसको मार्केट इंटरमीडियरी कहा जाता है। इट इंक्लूड्स होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट्स, ब्रोकर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव। डिसीजन मेकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरमीडियरीज इज कॉम्प्लिकेटेड बाय द डायनेमिक एंड एवर चेंजिंग नेचर ऑफ इंटरमीडियरीज। जैसे कि अभी आगे हम लोग देखेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं वो डायनेमिक है, वो स्टैटिक नहीं रहते हैं, वो समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, और रिलेशनशिप विद इंटरमीडियरीज। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल लें मार्केट इंटरमीडियरीज का, तो जैसे एक सीमेंट का एग्जाम्पल ले लें, सीमेंट इंडस्ट्री का, तो अल्ट्राटेक सीमेंट मैन्युफैक्चर हुआ उसके सीमेंट के प्लांट में। अब वो सीमेंट हो सकता है कि अल्ट्राटेक के किसी वेयरहाउस में चला जाए, या ये भी हो सकता है कि प्लांट से सीधे किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास या किसी बड़े होलसेलर के पास चला जाए। वो होलसेलर से छोटे रिटेलर्स को देता है, और रिटेलर्स से इवेंचुअली लोग परचेस करते हैं जिनको कुछ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह अपने घर में करानी, जिनको सॉरी नॉट मैन्युफैक्चरिंग, जिनको कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करानी, वो इन रिटेलर्स से परचेस कर सकते हैं, मतलब छोटी छोटी क्वांटिटीज में। जिन लोग की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, वो डायरेक्टली होलसेलर से भी परचेस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी होलसेलर ऑफकोर्स जिस प्राइस में सेल करता है रिटेलर को, वो प्राइस कम होता है एज कम्पेयर टू कि जो रिटेलर एंड यूजर को, जिनकी रिक्वायरमेंट कम है, उनको जो जिस प्राइस पे सेल करता है वो प्राइस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो होलसेलर से प्राइस मिल रहा है। तो जिनकी डिमांड ज्यादा रहती है वो डायरेक्टली होलसेलर से भी ले सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि ये ऐसा बहुत कम होता है कि कंपनी डायरेक्टली सेल कर दे। कोई भी कंपनी, मतलब ज्यादातर कंपनीज, ऑफकोर्स कुछ कंपनी होती हैं जो डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और उसको डायरेक्टली रिटेल भी करती हैं, तो उसमें कोई दूसरी कंपनी या दूसरा बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है। यहां पर यह जानना जरूरी है कि होलसेलर अपने आप में अलग बिजनेस है। अगर हम अभी सीमेंट का एग्जाम्पल लिया, तो अल्ट्राटेक का बिजनेस है सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग। अब वहां पर कुछ एबीसी एंटरप्राइजेस करके एक होलसेलर हो सकता है जो अल्ट्राटेक सीमेंट से सीमेंट को परचेस कर रहा है बड़ी क्वांटिटी में, और ये जो एबीसी डिस्ट्रीब्यूटर्स है या एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये छोटे रिटेलर्स को दे सकती है, ठीक है। तो छोटे रिटेलर्स या फिर जो जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है वो डायरेक्टली इन होलसेलर से परचेस कर सकता है, लेकिन ये चैनल बना है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और उसके बाद एंड कंज्यूमर। तो ये होलसेलर इज अ डिफरेंट बिजनेस, इट्स अ डिफरेंट कंपनी देन अल्ट्राटेक, एंड और होलसेलर और रिटेलर ये भी आपस में दो अलग बिजनेस है, दो अलग कंपनीज है। तो ये मार्केट के इंटरमीडियरी है, ये कंपनी का पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिनिश प्रोडक्ट को कंपनी के प्लांट से या वेयरहाउस से एंड कंज्यूमर या एंड यूजर तक ले जाने में। एजेंट, एजेंट वगैरह कहाँ होते हैं, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी, एलआईसी के एजेंट्स होते हैं,
या इसके अलावा कोई भी और इंश्योरेंस की आप कंपनी ले लीजिए, कोई भी पॉलिसी ले लीजिए, तो कोई ना कोई बीच में एक एजेंट या एक ब्रोकर होता है। हम लोग डायरेक्टली कंपनी से परचेज कम ही करते हैं, कोई ना कोई एक एजेंट होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक ब्रोकर होता है, जिसका कुछ ना कुछ एक कमीशन रहता है और जो वो पॉलिसी को एंड यूजर तक ले जाता है। तो ये वो जो एजेंट होता है उसको कोई कंपनी से एलआईसी से सैलरी नहीं मिल रही होती है, जो सैलरी जिसको मिलती है वो एम्प्लॉय हो जाता है। एजेंट अपने आप में एक अपना अलग काम करता है, उसके पास एक एजेंट का कोड होता है, उसको जितनी जितनी पॉलिसी वो करता है, जितनी की पॉलिसी उसके हिसाब से एक फिक्स कमीशन मिलता है, उसका अपने आप में अलग बिजनेस। लेकिन वो एक मार्केट में एक इंटरमीडिएरी है। मार्केट क्या होता है, एक सेट ऑफ बायर्स, एक सेट ऑफ बायर्स या पोटेंशियल बायर्स जो एक कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने की क्षमता रख सकते हैं या जिसको एक कंपनी टारगेट करना चाहती है। अब कंपनी एक चीज मैन्युफैक्चर कर रही है और एक मार्केट है, उस मार्केट के जो गैप है, ये जो पहली हमारी डेफिनेशन लिखी हुई है ब्रिजिंग द गैप, उस गैप को कैसे पूरा किया जाए, उस गैप को कैसे ब्रिज किया जाए, तो यहां पर इन कंपनीज का, इन बिजनेसेस का, इन फर्म्स का रोल आ जाता है, होलसेलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, रिटेलर का। नेक्स्ट कॉम्पिटिटर, बिजनेसेस कंपीट फॉर अ शेयर ऑफ द मार्केट एंड अ शेयर ऑफ द स्कैर्स इनपुट रिसोर्सेज। कॉम्पिटिशन इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन इन द मार्केट एनवायरमेंट इन विच सेवरल बिजनेसेस ऑफरिंग मोर और लेस द सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस कंपीट फॉर द सेम कस्टमर्स। तो कॉम्पिटिशन क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर दो या ज्यादा बिजनेस हैं या दो या ज्यादा कंपनी हैं और इन उनके ऑलमोस्ट सिमिलर कस्टमर्स हैं, सिमिलर बायर्स हैं, और जितनी भी वो कंपनी हैं चार पांच छह, वो ये चाहती हैं कि वो मैक्सिमम कंज्यूमर्स उसके हो जाए, तो इस सिचुएशन को कंपटीशन कहा जाता है। और स्केर्स इनपुट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहते हैं सप्लाई में, चाहे वो कैपिटल हो चाहे कुछ और हो, तो कंपटीशन की एक सिचुएशन है हर जगह है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही सप्लायर है, मतलब एक ही कोई कंपनी है जो जो प्रोडक्ट या सर्विस को सप्लाई कर रही है या गुड्स या सर्विस को सप्लाई कर रही है। कोई भी हम लोग सेगमेंट उठा सकते हैं, इवन अगर हम रिटेलिंग में भी आ जाएं, जो बड़े ऑनलाइन रिटेलर्स हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट, ऐसा नहीं है कि अमेजोन अकेले ऑपरेट कर रहा है या फ्लिपकार्ट अकेले ऑपरेट कर रहा है। और अगर हम लोग फूड की रिटेलिंग में आ जाएं, स्विगी जोमेटो, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही प्लेयर है। ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएं, जो कैब हेलिंग सर्विसेज हैं, उबर ओला, तो हर जगह कंपटीशन है, क्योंकि कंपटीशन से इवेंचुअली कंज्यूमर्स का तो फायदा होता ही है, कंज्यूमर्स को ऑफर मिलते हैं और एक पैरिटी बनी रहती है, कंपनी एक फेयर तरीके से ऑपरेट करती है, एक फेयर तरीके से अपने गुड्स या सर्विस को ऑफर करती है कंज्यूमर्स को। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो कंपनी की मोनोपोली होने लगेगी। ये तो ऑनलाइन बिजनेसेस की बात हो गई। इसके अलावा हम लोग इवेंचुअली, जैसे अभी मैंने लैपटॉप की बात करी, तो लैपटॉप में मल्टीपल प्लेयर्स हैं जो आपस में कम्पीट करते हैं, डेल, एचपी, लेनोवो, एप्पल थोड़ा सा हाई एंड है, तो एप्पल के केस में हमारी यहाँ पर एक ये चीज हम लोग देख सकते हैं, चाहे एप्पल का लैपटॉप हो चाहे एप्पल का स्मार्टफोन हो, कम्पीट फॉर द सेम कस्टमर्स। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉम्पिटिशन इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन इन द मार्केट एनवायरमेंट इन विच सेवरल बिजनेसेस ऑफरिंग मोर और लेस द सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस कम्पीट फॉर द सेम कस्टमर्स। एप्पल के केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि मे बी इट इज नॉट कम्पीटिंग फॉर द सेम कस्टमर्स। जो एप्पल का कस्टमर होता है, एप्पल के लैपटॉप का जो कस्टमर होता है, वो एचपी, डेल, लेनोवो, एसर, इनका कस्टमर्स नहीं होता है। उसी तरीके से जो एप्पल के फोन का, उसका जो कस्टमर होता है वो बाकी, अगर हम जैसे चाइनीज स्मार्टफोन्स की बात करें तो वो वीवो का, ओप्पो का, रेडमी वगैरह, इन सबके फोन्स का कस्टमर नहीं होगा, मोटोरोला कस्टमर नहीं होगा, सैमसंग कस्टमर नहीं होगा, क्योंकि एप्पल के जो फोन की रेंज होती है थोड़ी सी हाई एंड होती है। तो ये जो है, ये कस्टमर सेम काइंड ऑफ कस्टमर्स जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एप्पल की थोड़ा सा कैटेगरी अलग हो जाती है। एप्पल के केस में हाई एंड फोन होते हैं, सो मे बी इट इज नॉट, मे बी एप्पल इज नॉट कम्पीटिंग फॉर
the customers for which Dell, HP, Lenovo are competing or other smartphone makers are competing. हाँ, HP के, Lenovo के, Dell के customers same हो सकते हैं, वो आपस में compete कर रहे हैं same kind of customers के लिए, almost same kind of product offer कर रहे हैं. कुछ थोड़ा बहुत प्राइस में 19-20 का, थोड़ा बहुत फीचर्स में 19-20 का अंतर आ जाता है. जैसे अगर हम लोग लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हो सकता है कि एक एक प्राइस रेंज आपने सेट किया 40,000 रुपीज का एक लैपटॉप लेना है, तो 40 हो सकता है कि एचपी का 41,000 का हो और वही कॉन्फ़िगरेशन ऑफर कर रहा हो, लेनोवो का आपका 41,000 का हो, 42,000 का हो वही कॉन्फ़िगरेशन में. या अगर सेम प्राइस है 41,000 रुपीज, तो हो सकता है कि एसस के फीचर्स कुछ ज्यादा हो सकता है कि एसस 41,000 में 8GB रैम या कुछ 128GB या 256GB SSD ऑफर कर रहा हो, या AMD का प्रोसेसर ऑफर कर रहा हो थोड़ा सा हायर जनरेशन का. हो सकता है कि Lenovo थोड़ा सा कम ऑफर कर रहा हो, तो ये सेम प्राइस में थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन का अंतर आ जाएगा. या सेम स्पेसिफिकेशन अगर है तो थोड़ा बहुत प्राइस में फर्क आ जाएगा. उसी तरीके से कोई भी और हम प्रोडक्ट और सर्विस देख लें, तो अगर कॉम्पिटिटर्स, अगर कस्टमर सेम हैं और दो चार पांच कंपनीज हैं, एक कॉम्पिटिशन की सिचुएशन है, तो वहां पर सेम प्राइस में ऑलमोस्ट सिमिलर सर्विस मिलेगी, थोड़ा बहुत फर्क रहेगा. उबर और ओला आपस में कंपीट करते हैं, लेकिन सेम सोर्स से सेम डेस्टिनेशन जाने में, ए से बी जाना है, तो अगर आप ओला में चेक करेंगे और उबर में चेक करेंगे, थोड़ा बहुत प्राइस का फर्क मिल जाएगा. लेकिन ऑफ कोर्स दे आर कंपीटिंग फॉर द सेम काइंड्स ऑफ कस्टमर्स. यहां से ये जो फैक्टर्स थे हमारे, ये माइक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा थे, कंज्यूमर्स, सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज और कॉम्पिटिटर्स. इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट में. मैक्रो एनवायरनमेंट में वो फैक्टर्स आते हैं जो ऐसा नहीं किसी कंपनी या किसी स्पेसिफिक कंपनी के ऊपर असर डाल रहे हैं, ये पूरी पूरी इंडस्ट्री के ऊपर असर डाल सकते हैं या पूरी इकोनॉमी के ऊपर असर डाल सकते हैं. तो इसमें सबसे पहले आता है सोशल एनवायरनमेंट. सोशल एनवायरनमेंट में क्या फैक्टर्स आते हैं? वैल्यूज, एटीट्यूड, बिलीव्स, लाइफस्टाइल, कस्टम्स. वैल्यूज क्या होती है? ऑनेस्टी, सेल्फ अल्ट्रुइज्म, सेल्फ ट्रांसेंडेंस, सेल्फ एनहांसमेंट. मतलब ये कि एक अल्ट्रुइस्टिक आदमी क्या होता है, अल्ट्रुइस्टिक जो नेचर का एक पर्सन होता है, वो सोसाइटी के बारे में ज्यादा सोचता है बजाय अपने बारे में सोचने के. ठीक है, तो अल्ट्रुइज्म की जो एक वैल्यू है, वो थोड़ा बहुत एक सेल्फ ट्रांसेंडेंस से मिलेगी. लेकिन इसके अपोजिट होती है एक वैल्यू, सेल्फ एनहांसमेंट, जो आदमी ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में सोचता है बजाय इसके कि सोसाइटी के बारे में सोचता. सोशल, तो ये वैल्यूज हो गई. एटीट्यूड क्या हो गया? एटीट्यूड जनरली एक एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट हम देखेंगे, एटीट्यूड टुवर्ड्स या प्रोडक्ट और सर्विस देखेंगे. और ये एक फेवरेबल या अनफेवरेबल डिस्पोजिशन हो सकता है टुवर्ड्स एन एटीट्यूड टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट और सर्विस. और जनरली ये एक लंबे समय तक कंज्यूमर्स के जहन में, कंज्यूमर्स के मन में रहता है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर. जल्दी एटीट्यूड चेंज होते नहीं. बिलीव्स रिलीजियस भी हो सकती है, नॉन रिलीजियस भी हो सकती है. लाइफस्टाइल, कंज्यूमर्स किस किस्म के प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं, एक हाई एंड प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं या लो एंड प्रेफर करते हैं या मीडियम रेंज के प्रेफर करते हैं किस, और उन प्रोडक्ट्स में भी, उस प्राइस रेंज के प्रोडक्ट्स में भी क्या वैरायटी है, किस किस्म की बेसिकली लाइफस्टाइल वो मेंटेन करते हैं कंज्यूमर्स, ये लाइफस्टाइल वाले फैक्टर्स में आ जाता है. सोशल एनवायरनमेंट के अंदर लाइफस्टाइल में ये चीज आती है. कस्टम्स और ट्रेडिशन हर सोसाइटी के अलग हो सकती है. इंडियन सोसाइटी के अपने कस्टम्स हैं. इंडियन सोसाइटी के अंदर भी रीजन वाइज आप देख लीजिए, कस्टम्स और ट्रेडिशंस अलग अलग हैं. रिलीजन वाइज भी कस्टम ट्रेडिशन अलग अलग हैं. जो ज्यादातर मैरिजेस होती हैं वो कहीं ना कहीं कस्टम बेस्ड होती हैं. जो फेस्टिवल्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कस्टम्स के हिसाब से होते हैं. और सोशल एनवायरनमेंट पे हम लोग और एग्जांपल एक ले सकते हैं, जैसे
ये एटीट्यूड्स का या बिलीव्स का या वैल्यूज का, जैसे आपके रिलीजियस, हमारे जो ये जो चैनल्स हैं, जो मीडिया में या टेलीविजन में जो चैनल्स हैं, वो किस किस्म के प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। देखिए, ज्यादातर न्यूज चैनल्स में आजकल थोड़ा बहुत एक कंपोनेंट होता है, थोड़ा बहुत वो टाइम डिवोट करते हैं एस्ट्रोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम्स या स्पिरिचुअलिटी वाले प्रोग्राम्स पे। क्यों? क्योंकि जो इंडियन सोसाइटी है वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती है, बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। तो ये जो बिलीफ है, ये जो हमारा थर्ड वाला जो ये फैक्टर है बिलीफ का, बिलीफ इस चीज पर असर डाल रही है कि एक न्यूज चैनल जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या सर्विस ऑफर कर रहा है। वो एंटरटेनमेंट तो ऑफर करता है, न्यूज ऑफर करता है, लेकिन साथ में ये एक एस्ट्रोलॉजी वाले या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड प्रोग्राम्स भी ऑफर करता है। कुछ कुछ चैनल्स स्पेसिफिकली इन्हीं चीजों यही प्रोग्राम्स दिखाते हैं, मतलब स्पेसिफिकली ऐसे चैनल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल और रिलीजियस टीचिंग्स ही बताते हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो सोसाइटी है उसकी जो वैल्यूज, एटीट्यूड्स, बिलीव्स हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर फेवरेबल है। हो सकता है कि एक वेस्टर्न सोसाइटी में चले जाएं, एक यूएस की सोसाइटी में चले जाएं, तो वहां पर लोग इन चीजों में थोड़ा कम बिलीव करते हों, तो इसलिए वहां के न्यूज चैनल्स में जो दिन भर 24 आवर्स के जो न्यूज चैनल्स हैं, हो सकता है कि 24 आवर्स में वहां पर ये वाले प्रोग्राम्स ना आते हों या उनके लिए कुछ भी टाइम डिवोटेड ना हो, लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आते हों जो स्पेसिफिकली वहां की जो सोसाइटी है उसके वैल्यूज, एटीट्यूड, बिलीव्स के हिसाब से हों। ठीक है, तो सोशल एनवायरनमेंट बेसिकली इसमें टेस्ट प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल होता है। सोशल एनवायरनमेंट, सोशल जो वर्ड है, सोसाइटी, इसी से रिलेटेड है। तो एक सोसाइटी में लोग क्या सोचते हैं, क्या चीज को वैल्यू करते हैं, क्या कस्टम्स को फॉलो करते हैं, वो डिटरमाइन करता है कि बिजनेस के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है या पर कैपिटा इनकम है, लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोगों का एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, वहां पर लोग एम्प्लॉयड हैं, नहीं एम्प्लॉयड हैं, अंडर एम्प्लॉयड हैं, क्या है। कंज्यूमर इनकम, इनकम डेफिनेटली असर करती है, अगर इनकम ज्यादा है तो लोग हायर एंड प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं, उनकी जो प्रेफरेंस बदल जाती है, लग्जरी प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं। अगर इनकम लो है तो जनरली लोग नेसेसिटीज जो होती है, बेसिक नेसेसिटीज, उसी को प्रेफर करते हैं, वो लग्जरी आइटम्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी है, इंटरेस्ट रेट, किस रेट पे लोन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, एक्सचेंज रेट, मतलब लोकल करेंसी एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर, किस क्या रेट चल रहा है। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, ये मॉनेटरी पॉलिसी कोई भी देश की एक सेंट्रल बैंक बनाता है, जैसे इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या चीज आ जाती है, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक बोरोइंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये सब चीजें जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी है, डिटेल में सेकंड मॉड्यूल में है, तो वहां पर इसको डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में असर करते हैं या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कंप्राइज करते हैं और बिजनेस के ऊपर असर करते हैं। तो अगर देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिया जाए कि इंटरेस्ट रेट का, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट पर बिजनेस को लोन मिल रहा है, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है या रीजनेबल है, तो ज्यादातर लोग या ज्यादातर बिजनेसेस लोन के लिए अप्लाई करेंगे, लोन को अवेल, लोन फैसिलिटी अवेल करना चाहेंगे, उनके पास कैपिटल इजीली अवेलेबल रहेगा। बहुत सारे लोग नया वेंचर भी स्टार्टअप करने की सोचेंगे। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो वो एक तरीके से बिजनेस के लिए फेवरेबल क्लाइमेट नहीं रहता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोचेंगे कि भाई, क्योंकि लोन महंगा पड़ रहा है, कोई भी अगर लोन लिया जाएगा, कोई भी डेट ली जाएगी, तो उसको डेट को सर्विस करना पड़ेगा, तो इससे बेहतर यह है कि इक्विटी डाइल्यूट करके कुछ कैपिटल रेस कर लिया जाए, कुछ इक्विटी के रूट से कर लिया जाए, भले ही कुछ शेयर होल्डिंग किसी और को ऑफर, शेयर्स किसी दूसरी कंपनी को ऑफर करना पड़े। लेकिन कंपनी ये सोच सकती है कि भाई, इट कैनॉट सर्विस द डेट एट सच अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये फेवरेबल क्लाइमेट बिजनेस के लिए हो सकता है अगर एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। एक देश का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड।
किसी भी देश में कोई भी लॉ कोई भी कानून पास होता है वो जो भी पार्लियामेंट है, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, कोई भी लॉ बनाती है तो इट हैज टू कंफर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं कोई लॉ पास होगी तो जो वहां की जो जुडिशरी है, जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है जो हाईएस्ट कोर्ट है, वो उसको स्ट्राइक डाउन कर देगा। कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है या रिजिड है ये इस बात का भी असर पड़ता है, ठीक है। अगर एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो आसानी से चेंज नहीं हो सकता, लेकिन ये भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि हमारा समय चेंज हो रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, बिजनेस बहुत सारे फैक्टर्स जो आप जो बिजनेस के ऊपर असर डालते हैं वो डायनेमिक है, वो लगातार सिचुएशन चेंज होती रहती। तो हो सकता है कि आज के समय की एक डिमांड हो, एक रिक्वायरमेंट हो कि पार्लियामेंट एक लॉ पास करे बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वायलेट कर रहा हो, तो ऐसे में रिक्वायरमेंट ये हो जाएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, तो वो मुश्किल हो जाएगा, तो अगेन बिजनेस के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए और थोड़ा बहुत रिजिड भी होना चाहिए। अगर टोटली फ्लेक्सिबल तो फिर पार्लियामेंट एक आसानी से लॉ पास कर देगी और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा, तो इससे भी एक सही मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि जिसकी भी सरकार होगी अगर उसको सही नहीं लगेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का आसानी से चेंज कर देगी। तो इंडिया में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्टली फ्लेक्सिबल पार्टली रिजिड, कुछ प्रोविजंस हैं जो आसानी से चेंज हो जाते हैं और कुछ प्रोविजंस हैं जो आसानी से चेंज नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है या प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, डेमोक्रेसी है भी कि नहीं है? इंडिया में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज ऑलवेज अ फेवरेबल सिचुएशन फॉर बिजनेसेस। लेकिन उसके विपरीत अगर हम चले जाएं, जैसे जहां पर ऑटोक्रेसी, जैसे सबसे बड़ा जो एग्जांपल आता है नॉर्थ कोरिया का, तो वहां पर ऐसी जगहों पर बिजनेसेस थ्राइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो भी ऑटोक्रेट है, जो भी वहां का जो सुप्रीम लीडर है, उसके मर्जी के हिसाब से चीजें चलेंगी। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि वहां पर लोगों की सरकार होती है, लोग खुद चुन के वहां पर अपने रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में भेजते हैं और वहां पर जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होती है, जिसके पास सबसे ज्यादा सीट्स होती हैं, वो एक गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करती है और उसी में से प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनता है। तो डेमोक्रेसी इज ऑलवेज अ फेवरेबल सिचुएशन फॉर बिजनेसेस टू ग्रो। अच्छा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएस में है। प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जनरली स्टेबल हो जाती है, वहां पर आप देखिए जनरली जितने भी प्रेसिडेंट हैं उसका 4 साल का टेन्योर होता है, 4-4 साल में वो अपना पूरा करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो लेजिस्लेटर्स होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वही सरकार बनाते हैं, उसी में जो मेजोरिटी पार्टी की है। और अक्सर जो कोई एक पार्टी होती है वो, जैसे इंडिया में कुछ साल पहले तक सिचुएशन रही है, कोई एक पार्टी मेजोरिटी मार्क तक नहीं पहुंच पाती तो वहां पर उसको दूसरी पार्टीज के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। यूएस में क्या होता है कि जो प्रेजिडेंशियल इलेक्शन होता है वहां पर वो अलग इलेक्शन होता है, वहां पर सिर्फ प्रेसिडेंट को लोग प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो पार्लियामेंट का, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन अलग से नहीं होता है, यहाँ पर लोकसभा का इलेक्शन होता है, उसमें हम लोग एमपीज को वोट डालते हैं। तो वो वहां का सिस्टम जनरली स्टेबल है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस डिबेट में भी आते हैं कि इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बेटर और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर। उसमें लोगों के अपने अपने ओपिनियंस रहते हैं, दोनों ही सिस्टम्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन ये जरूर है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो उसको दूसरी पार्टीज के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है मेजोरिटी मार्क को क्रॉस करने के, और वहां पर जो उसका दूसरी पार्टी होती है, जो एक कोलिशन बनाती है, कोलिशन फॉर्म करती है, वो प्रेशराइज कर सकती है, अंडियो इन्फ्लुएंस डाल सकती है बड़ी पार्टी के ऊपर। इंडिया में 90s के दौरान में एक समय आया था जहां पर कोई भी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो भी होती थी लोकसभा में, वो मेजोरिटी मार्क्स तक नहीं पहुंच पा रही थी। अभी भी कोलिशन की गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है, इससे पहले यूपीए की गवर्नमेंट थी, लेकिन इस समय इवन दो एनडीए की गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी बीजेपी के पास अपने अपने आप में सफिशिएंट नंबर्स हैं, लेकिन
फिर भी वो लोगों ने एक एनडीए की सरकार हम लोग कहते हैं, तो जो एनडीए में बाकी पार्टनर्स हैं साथ में मिलकर सरकार बनाई है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां पर एक मेजोरिटी जो एक मेन पार्टी जैसे बीजेपी है या यूपीए में कांग्रेस है, अगर उसके पास सफिशियंट नंबर्स नहीं हो, तब जो उसका अलायंस पार्टनर है या कोलिशन पार्टनर है वो फिर अपनी मर्जी चलाने लगता है। जैसे इस समय महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की गवर्नमेंट पहले थी, अब शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस तीन पार्टीज ने मिलकर अपनी सरकार बनाई। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, हर पार्टी की अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, उसके बेसिस पर वो उसका पार्टी का फॉर्मेशन होता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक इकोनॉमिक आइडियोलॉजी पर भी बेस्ड हो सकती है, सोशलिज्म पे, कैपिटलिज्म पे। कुछ पार्टी सोशलिज्म को प्रेफर करती हैं, कुछ पार्टीज कैपिटलिज्म, प्रो कैपिटलिस्ट होती हैं, बिजनेसेस को ग्रो कराना चाहती हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ना पार्टीज होती हैं जो प्योरली पॉलिटिकल कॉज से बनी होती हैं, ठीक है। तो जैसे कोई स्पेसिफिक रीजन के कुछ इश्यूज हैं, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हैं, कश्मीर में ज्यादातर पार्टीज के कुछ जो है वो एक पॉलिटिकल कॉज है उसके, वहां पे जो पार्टीज हैं। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक इश्यूज भी हो सकते हैं, एक पार्टी अगर पावर में आती है तो इकोनॉमिक चीजों पर भी ध्यान देती है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल चीजें होती हैं जिसके बेसिस पर एक पार्टी का फॉर्मेशन होता है। तो बहुत सारी इंडिया में रीजनल पार्टीज हैं अलग अलग स्टेट में, जो एक नेशनल लेवल पर तो नहीं है लेकिन वहां के लोकल इश्यूज को उठाती हैं, और जनरली वो लोग एक अच्छे नंबर्स ले आते हैं और सरकार का हिस्सा ही बन जाते हैं। अब ऐसी पार्टी अगर सरकार में आती है तो अपनी आइडियोलॉजी को इन्फोर्स करती है गवर्नमेंट में और उसके हिसाब से पॉलिसी बनाती है। और इसी से रिलेटेड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स, अगर एक ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपस में एक इंटर रिलेटेड पॉइंट्स हैं। अगर एक सिंगल पार्टी सरकार बनाती है तो और उसके पास सफिशिएंट नंबर्स हैं तो पॉलिटिकल, इसको हम लोग स्टेबिलिटी की मतलब इसको पॉलिटिकली स्टेबल एक सरकार बन जाती है। लेकिन अगर उसके पास सफिशिएंट नंबर्स नहीं है और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो जनरली एक इंस्टेबिलिटी रहती है, और एक इंस्टेबल एनवायरनमेंट कभी भी बिजनेस के लिए फेवरेबल नहीं होता है। क्योंकि अगर सरकार स्टेबल नहीं है, सरकार गिर गई, अपना 5 साल का उसने टेन्योर पूरा नहीं किया और दूसरी पार्टी की या दूसरी आइडियोलॉजी वाली पार्टी की सरकार बन गई, तो वो पॉलिसी चेंज कर देगा। और उसने अगर पॉलिसी चेंज कर दी और किसी दूसरे किस्म के बिजनेसेस को फेवर करने लग गया, वो सरकार फेवर करने लग गई, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हो सकता है उन्होंने दूसरे किस्म के बिजनेसेस पे, दूसरे टाइप के या दूसरे सेक्टर्स में अपना पैसा लगाया हो, और एकदम से सरकार की पॉलिसी चेंज हो गई, नई सरकार आ गई, अब वो जो जिस बिजनेस में पैसा लगा हुआ है उसमें उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी डिपेंड करता, मतलब ये सारे जो तीन इश्यूज हैं, अगर मल्टी पार्टी सिस्टम है और अगर एक पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, जो बिजनेस के लिए फेवरेबल नहीं रहेगा, और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेसिस पर ही कंपनीज पॉलिसी बना, सॉरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बेसिस पर ही जो सरकार है अपनी पॉलिसी बनाती है, और उस पॉलिसी के बेसिस पर ही जो बिजनेसेस हैं वो अपना पैसा लगाते हैं। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इंडिया में इस समय एक तरीके से 1999 के बाद से जितनी भी सरकारें बनी उन्होंने अपने 5 साल का टेन्योर पूरा किया। 1999 to 2004, 2004 to 2009 UPA 1, अगेन 2009 to 2014 UPA 2, फिर उसके बाद 2014 से 2019 एनडीए की सरकार, और अभी फिर क्योंकि मेजोरिटी है तो ये सरकार भी अपना कार्यकाल मोस्ट प्रोबेबली पूरा करेगी। तो ये एक तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और इस दौरान इंडिया में रेट ऑफ ग्रोथ जो है GDP का वो भी बढ़ा ही है। लेकिन इससे पहले अगर हम 99 से पहले वाले सिचुएशन में चले जाते हैं तो वहां पर एक समय आया था जब सरकार अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पा रही थी, और ऐसे में बिजनेस भी उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे थे, बिजनेस के ऊपर भी असर पड़ रहा था। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बेसिकली एक स्टेट जो इस समय देश में या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी किस स्टेट पर है, किस स्टेज पर है, वो चीज आती है, और वो चीज भी बिजनेस के ऊपर असर डालती है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ओरिजिनेट्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोसेसेस, सिस्टम्स एंड अप्रोचेस टू मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज हैपनिंग एट एन इंक्रीजिंगली रैपिड रेट। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड द इन्फ्लुएंस ऑन अ बिजनेसेस कॉम्पिटेटिव पोजिशन। लेकिन टेक्नोलॉजिकल जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है किसी भी इंडस्ट्री में, जैसे टेलीकॉम का एग्जाम्पल मैंने पहले भी लिया है, अगर हम इसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर चले जाएं तो 2G टेक्नोलॉजी, 3G, 4G, अभी 4G LTE आ गया है। तो कोई भी अगर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है वो अगर 4G LTE ऑफर नहीं कर रहा है तो लोग उसकी सर्विसेज को प्रेफर नहीं करेंगे। उस तरीके से अगर आज जो भी हैंडसेट है
हैंडसेट मेकर अगर 4G LTE कंपैटिबल स्मार्टफोन नहीं बना रहा है तो लोग उसके स्मार्टफोन को प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। अभी अगर हम ऑटोमोबाइल पे जाते हैं तो अब धीरे धीरे देयर इज अ पुश टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आने वाले समय में जो जब ऑलमोस्ट सारे कंपनीज धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रही है, और जो नहीं जाएगी और वो ऑटोमोबाइल के बिजनेस में है, तो हो सकता है कुछ टाइम बाद वो बिजनेस से बाहर हो जाए। तो अगर कंपनी को बिजनेस में बने रहना है तो उसको जो उस इंडस्ट्री की स्पेसिफिक जो टेक्नोलॉजी है, जो स्टेट ऑफ जो उस समय करंट टेक्नोलॉजी है जिसके बेसिस पर प्रोडक्शन हो रहा है, जिसके बेसिस पर सर्विसेज ऑफर हो रही है, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को अपनी सर्विस को मॉडिफाई करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। अदरवाइज वो कॉम्पिटिशन में पिछड़ जाएगा। कॉम्पिटिशन हमेशा ही है, हमने देखा ही था कि हम कि बिजनेस हमेशा एक कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में ऑपरेट करते हैं। और अगर उस अगर टेक्नोलॉजी जो भी करंट टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑफर नहीं किया तो वो बिजनेस से आउट हो जाएगी। टेक्नोलॉजी कोई भी इंडस्ट्री में हम लोग देख सकते हैं, अभी चाहे टेलीकॉम हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, और कोई भी आप अपने अपने आप भी अपने आसपास देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में कोई भी बिजनेस वाला आप पेज पढ़ेंगे तो, या नेट में भी सर्च करेंगे, कोई भी आप इंडस्ट्री को स्टडी कर लीजिए तो उसमें जितने भी मेजर प्लेयर्स होंगे, जो भी टॉप प्लेयर्स होंगे, ऑलमोस्ट वो सिमिलर टेक्नोलॉजी को ऑफर कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत असर हो सकता है। इसके बाद डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट है और नेचुरल एनवायरनमेंट भी है, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, और ऑफ कोर्स इसमें एक और कंपोनेंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है जिसको हम लोग लीगल एनवायरनमेंट कहते हैं। तो ये तीन कंपोनेंट हो गए, डेमोग्राफिक, नेचुरल, लीगल और नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सारे टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में जहीं तक सफिशिएंट है, एंड देन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।